गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं सेव टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है, अब मैं उसमें एक चम्मच भर के इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ये देखिए, ज़ीरा मैंने डाल दिया है, ये हो गया एक चम्मच पूरा। अब ज़ीरा हो गया है गरम, अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने प्याज ली है। प्याज डाल दी है, इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने ये हींग ली है, ये इसमें मैं इसमें डाल दूँगी। हींग डाल दी है। अब ये हैं, ये टमाटर हैं। टमाटर में मैं मसाले डाल देती हूँ। इसमें ये मैंने लहसुन, अदरक, हल्दी, हरी हल्दी और हरी मिर्च ली हुई है, काट कर कूटी हुई है। इसका दरदरा सा पेस्ट बनाया हुआ है। तो अब मैं इसमें टमाटर, इसमें और मसाले डाल देती हूँ। और मसाले में मैंने ये डाली है, आधी चम्मच मैंने डाली है ये तीखा लाल मिर्ची, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी से छोटी चम्मच मैंने हरी हल्दी, ये हल्दी पाउडर डाला हुआ है, और ये एक चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। एक चम्मच या स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर लें। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, तो इसलिए गरम मसाला मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये सब सामान मेरा तैयार हो गया है। और इधर देखिए, प्याज भी हमारी भुन गई है, थोड़ी सी बस रह गई। प्याज भुन जाएगी तो हम इसमें टमाटर डाल दें। फ्रेंड्स देखिए, हमारी प्याज लगभग फ्राई हो चुकी है। फ्रेंड्स आप एक बात और, आप लोग सोचेंगे कि इसने ये सब तो चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन ये जो चीज़ बना रही है इसने वो अभी तक नहीं दिखाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी चीज़ दिखा देती हूँ जिसकी मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखिए, ये है मोटे सेब, ये एक नमकीन है जिसको नमकीन के तौर पर, स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है, और ये बहुत ही चटपटा होता है। देखिए मेरे मुँह में तो अभी से पानी आने लगा है। ये बहुत ही चटपटा होता है और टेस्टी भी बहुत बनती है, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी प्याज हो चुकी है, अब मैं इसमें ये मसाला डाल देती हूँ, टमाटर वाला। ये हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। मैंने पीसा नहीं है, मेरे को पीसा वो मसाला ज़्यादा वो नहीं लगता है इसमें, इसमें ऐसे ही मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये इसमें मैं ये भी डाल दूँगी, लहसुन टमाटर अदरक का जो पेस्ट किया है ना मैंने, वही सब ये इसमें भी डाल दूँगी। और ये मैंने इसके लिए पानी, उबला हुआ पानी लिया हुआ है। देखिए इसमें से अभी तक भाप निकल रही है, मैंने ये पानी गर्म करके लिया हुआ है, इसी पानी को मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और इस सब्ज़ी का रंग और निखर कर आए और क्लियर हो जाए आपको और अच्छा लगे, तो इसके लिए मैं ये कश्मीरी लाल, ये इतनी, ये एक चम्मच से थोड़ा कम मैं इसमें ये डाल दूँगी, जिससे इसका रोगन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और ये बिल्कुल आपको लाल ग्रेवी नज़र आएगी। कई बार होता है ना कि हमारा मन नहीं करता है खाना खाने के लिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं सब्ज़ी को, देखने के बाद ही हमको वो होता है, एहसास होता है कि हाँ भाई, सब्ज़ी देखने में ही अगर टेस्टी लगेगी तो आप ज़रूर खाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सब्ज़ी आप, मतलब आपको बनाने में ज़्यादा मुश्किल होगी, इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। आप बस इसकी ये ग्रेवी तैयार कर लीजिए, जब ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में हम इसको सेव डाल देंगे। इसमें ग्रेवी जब पूरी तैयार होगी, टमाटर वगैरह सब गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें गर्म पानी, ये गर्म पानी डालकर एक बॉईल देंगे, और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम इनको, इसको डालेंगे। नहीं तो अगर हम पहले डाल देंगे तो जल्दी घुल जाएगा, तो हमें इनको इतना घुलाना नहीं है। जब ये सब्ज़ी, ये इसकी ग्रेवी पककर तैयार हो जाएगी तब हम इसमें सब वो डालेंगे। तो देखते हैं ये कितनी देर में पकती है, हमें 2 मिनट में ये पक जाएगी। हम इसको 2 मिनट तक के लिए ढक के रख देते हैं, फिर देखते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर कितना उबल चुके हैं, अभी देखिए, अभी इसको देखते ही आपको लग रहा है ना कि हाँ सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो वही होता है कि अगर हम जो चीज़ हम बनाते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने से ही आंखों को लगती हैं कि हाँ, आंखों को भा जाती है, मतलब मन को लुभा जाती हैं,
मन को प्रसन्न कर देती हूँ। इसमें देखिए तेल छूटने लगा है, मैं इसको 2 से 3 सेकंड और इसको वो करूँगी, 2-3 मिनट और करूँगी, फिर ये देखिए थोड़ा और तेल छूटेगा तभी इसमें मैं पानी डालकर इसकी ग्रेवी को बनाऊँगी। अभी तो मैंने इसको नहीं जो किया है और मैंने ये गैस की आँच गैस को फ्लेम गैस की फ्लेम को हाई ही किया हुआ है, लो फ्लेम पर नहीं मैंने किया हुआ। ये मसाला जल्दी से भून जाएगा, जलेगा ना, आपको बस इसे कंटिन्यूसली 1-2 मिनट में चलाते रहना है। देखिए इसमें पूरा पानी सोख लिया है ना इसमें, ये देखिए है ना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें इसने तेल को रिलीज़ कर दिया है अपनी तरफ से, तो अब मैं इसको ये मसाला भून गया है मेरा, लगभग भून कर तैयार हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, वही जो मैंने पानी उबाल कर रखा हुआ था आपको दिखाया था। देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी तैयार होने वाली है, ये देखिए बस 2 मिनट और लगेंगे इसे पकने में, पानी तो पक ही चुका है। देखिए तेल सारा इसमें ऊपर आ गया, बस गैस मैंने थोड़ी कम कर दी थी। ये देखिए इसमें एक भी झाग नहीं होगा, जब इसके झाग सारे ख़त्म हो जाएंगे तब हम इसमें ये सेव डाल देंगे। जो अभी थोड़े से झाग दिख रहे हैं ना, ये थोड़े से और कम हो जाएंगे तो मैं इसमें सेव डाल दूँगी। मैंने आपको दिखाने के लिए और गैस कम कर दी थी। ये देखिए ग्रेवी कितनी है। इसमें सेव डालने के बाद में सेव जो है ये जो नमकीन है ये पूरा पानी सोख लेता है, इसलिए मैंने इसमें पानी ज़्यादा भी डाला है। अगर इसको अभी डाल देंगे तो इस पूरे उबलते उबलते ही सारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ज़्यादा उबालते भी नहीं हैं हम इसको डालने के बाद में। और ये जो है ये बेसन वगैरह से बना, बेसन से बनाया जाता है, इसमें लहसुन वगैरह इसमें सब डला हुआ है नमकीन में, तो ये आप अगर इसको वैसे भी खा सकते हैं, वैसे नमकीन के तौर पर भी आप इसको वैसे ही खा सकते हैं। ये खाया ही वैसे जाता है लेकिन हम इसकी सब्ज़ी भी बना लेते हैं, जैसे आप मिसल पाव वगैरह खाते हैं तो मिसल पाव में भी तो सेव ही डाला जाता है, तो वैसे ही हम इसकी सब्ज़ी बना लेंगे। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसका टेस्ट आपको एक और सब्ज़ियों से अलग ही नज़र आएगा, अलग ही आता है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और इसको हम कभी भी एनी टाइम जब आपके पास कोई सब्ज़ी ना हो, सिर्फ प्याज टमाटर हो, तो आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें ये सेव डाल देती हूँ और खाली सिर्फ एक उबाला दूँगी। ये मैंने सारे सेव इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए सिर्फ इसको एक उबाला देंगे बस, और उससे ज़्यादा नहीं। इसमें एक उबाला आ चुका है, अब मैं इसको गैस को कर दूँगी बंद और थोड़ी देर में मैं इसे डिश आउट करूँगी, थोड़ा ये पानी का वो होगा। देखिए फ्रेंड्स ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए डिश आउट करके दिखा देती हूँ, वैसे अभी कोई खाएगा खाने वाला तो है नहीं, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए डिश आउट कर रही हूँ। इसमें हरा धनिया खूब सारा डाला है मैंने और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये आपके लिए डिश आउट करके निकाली है। देखिए लग रही है ना गर्मा गर्म, ऐसे मन कर रहा है कि इसको अभी खा लें हम। तो फ्रेंड्स देखिए इस रेसिपी को देखकर आपको जो भी लगता है, अच्छा बुरा जो भी लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसी लग रही है ये रेसिपी। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे अपने आप में क्या सुधार करना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को देखिए, इसको बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट्स की मेरे को आवश्यकता है क्योंकि आप पता चलेगा मुझे कि आप मेरे बारे में आपकी क्या राय है। तो थैंक यू, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।